हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर लास्ट टॉपिक ऑफ फोनिक्स. ओके, और इसके बाद आपका फोनिक्स कुछ भी, फोनिक्स रिंगटोन, फोन, मोबाइल, सब खत्म. ठीक है. तो अब आपका जो लास्ट टॉपिक है ना, वो है आपका फोनिक्स एंड ट्रिकी वर्ड्स. ये है आपका लास्ट टॉपिक. यहाँ क्या लिखा, लेट्स रीड दिस सेंटेंस. ये यहाँ पर आपको सिर्फ आप रीडिंग के सेंटेंसेस मिलने वाले हैं. ठीक है, मतलब ये सेंटेंसेस अब आप रीड कर सकते हो. ओके, लेट अस स्टार्ट रीडिंग. द ब्लैंकेट इज ब्लू. ठीक है, अब देखो, द हमारा ट्रिकी वर्ड है, फिर ब ल ए न ब्लैन क ए ट केट ब्लैंकेट इज ब ल ब्ल ऊ ब्लू. द ब्लैंकेट इज ब्लू. अब जब यहाँ तक बच्चा आता है ना, जब बच्चे को सेंटेंस रीड करना होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ऐसे ही करके, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, मतलब रीड करके आपको एग्जांपल बताया, वैसे ही बच्चा साउंड को ज्वाइन करके रीड करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे सेकेंड सेंटेंस है, तो बच्चा कैसे रीड करेगा, बच्चा रीड करेगा लुक लुक एट एट द इस दिस बॉय बॉय Look at this boy. ठीक है, ये हो गया. ऐसे करके आप रीड करते हो. मैं तो टीचर हूँ ना, मैं तो आपको देख ही रही हूँ कि आप कैसे रीड करते हो. फिर अब होता क्या है कि थोड़ा सा पेशेंस तो बना के टीचर को और पेरेंट्स को रखना ही पड़ेगा. अगर आपका बच्चा रीड करना सीख रहा है तो वन फ्लो में जल्दी जल्दी नहीं सीख पाएगा. अगर हम ये सोचें कि अरे ये तो बड़ा टाइम लगा रहा है यार, ये तो बड़ा बोर कर रहा है, या फिर हम उसे मारना स्टार्ट कर दे, तो उससे काम नहीं बनने वाला, उससे आपका काम और बिगड़ जाएगा. नेक्स्ट टाइम से आपका बच्चा बैठेगा ही नहीं पढ़ने के लिए. ठीक है, तो थोड़ा पेशेंसली आपको सुनना पड़ेगा कि आपका बच्चा ठीक से उसे रीड कर रहा है या नहीं रीड कर रहा है. ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया ना पुट. अब ये पट नहीं है, ठीक है, मैंने बोला था ना ट्रिकी वर्ड्स बहुत सारे होते हैं. पुट, जब भी पी यू टी आएगा तो आपको उसको पुट पढ़ना है, पट नहीं पढ़ना है. पुट द stamp stamp on the letter. The books are on the shelf. अब आपने नोटिस किया होगा कि मैम ने तो सारे जो भी वर्ड्स हैं उनका फोनिक साउंड तो प्रोनाउंस किया ही नहीं. तो स्टूडेंट, ऐसा आपके साथ भी होने वाला है, तभी तो आप रीडिंग में एक्सपर्ट बनोगे ना. अगर जब आप, पता है, कई सारे सेंटेंसेस रीड करने लगते हो तो वो वर्ड्स आपके माइंड में ड्रिल हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं. अब मैंने यहाँ पे बुक्स और आर क्यों नहीं रीड किया, पता है क्यों, अभी आपको दिखा रही हूँ. अब यहाँ जैसे हमारा आया ना लुक, लुक आया ना, अगर एल की जगह हम बी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा ना. तो वैसे ही ना स्टूडेंट, जैसे मुझे आइडिया मिला है, वैसे आपको भी आइडिया मिलने लगेगा कि अरे यहाँ पे तो ये वाला वर्ड है, इसका मतलब इसको ऐसे बोलेंगे. ठीक है, अब हाँ, शेल्फ को मुझे पढ़ना पड़ा, क्योंकि पता है ये सारे वर्ड मेरे से फैमिलियर हो चुके हैं. बार बार ये वर्ड्स रीड करने की वजह से मुझे या आपको या किसी भी बच्चे को बार बार फोनिक्स का साउंड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले से माइंड में फिक्स हो चुका है. अब जब किसी बच्चे को ए बी सी डी आती है, ठीक है, तो क्या वो बार बार ए बी सी डी पढ़ता है? अगर उसके सामने ए आ जाए तो क्या वो 5 मिनट सोचने में लगा देगा कि कौन सा लेटर है? लेकिन हाँ, जिस बच्चे को नहीं आ रहा है वो तो लगाएगा ही. ठीक है, तो उसी तरह से स्टूडेंट, जब आप रीड करने लगोगे ना, तो कुछ वर्ड्स आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, और फिर जब आप रीड करने लगोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, अरे यार ये तो वही वर्ड है जो मैं पहले रीड किया था, अरे ये तो वही वर्ड है जो मैं अभी रीड करके हटाऊँ. तो फिर आपको बार बार ल उ क ऐसे करके बोलना नहीं पड़ेगा. ठीक है, आप एक फ्लो में, वन फ्लो में रीड करोगे. ओके, चलो, बहुत बात हो गई, गला सूख गया मेरा. आई क ए न कैन ज अ म प जंप इन द रिवर रिवर. अब देखो यहाँ पे मैं सिलेबल भी यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, दैट इज अ ड्र ओ उन ड्रोन, दैट इज अ ड्रोन. मैत्री इज माई बेस्ट बेस्ट फ्र
फ्राइंड। अब देखो यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ ये नहीं बोलोगे फ्राइंड। देखो जब कोई भी बच्चा ना, अभी क्योंकि स्टूडेंट्स आप रीड नहीं कर रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ी सी आप मतलब सब में अप्लाई करने लगोगे फोनिक्स का रूल। स्टूडेंट्स सारे वर्ड्स में फोनिक्स का रूल अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अपनी बुक रीड करने लगते हैं किसी के सामने, सुनते सुनते अपने फ्रेंड से पूछ के, तब हम मिस्टेक करना बंद कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप फ्राइंड बोल रहे हो, तुरंत आपको टीचर या आपका फ्रेंड रोक देगा कि अरे यार ये फ्राइंड नहीं, ये फ्रेंड है, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम ये वर्ड आपके सामने आएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अरे यहीं पर तो मुझे टोका गया था, ये फ्राइंड नहीं, ये फ्रेंड है, फ्रेंड। तो जब आपको एक बार पता चल गया, दो बार पता चल गया, तीन बार पता चल गया, तो क्या आप अगर जब आप फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम अगर आपके सामने ये वर्ड आएगा तो क्या आप गलत बोलोगे? नहीं, आप गलत नहीं बोलोगे, आप एकदम सही बोलोगे। ठीक है ना, माय फादर ड्राइव्स सो वेल। ठीक है, आई हैव अ न्यू, अब देखो न्यू है ये, ठीक है, ये नेव मत बोल देना, कार। ठीक, अब हम आते हैं, अब ये वैश नहीं होगा, पता ही क्या होगा, ये वॉश होगा, वॉश क्या होगा, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं आपको क्विज दूंगी, और क्विज में होगा क्या। ठीक है, अब क्विज में स्टूडेंट्स आपको मैं 10 सेंटेंसेस बोलूंगी। ठीक है, अभी मैं बोल दे रही हूँ उसको। अब स्टूडेंट इसके बाद मैं जो आपको क्विज दूंगी, वो क्विज किसके ऊपर होगा, वो क्विज अब डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर होगा। अब आपका इन सेंटेंसेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको मैं एक सिंपल सा क्विज दूंगी जिसमें सिंपल क्वेश्चंस होंगे और उनका आपको सिंपल वर्ड्स में आंसर देना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप कि आप उस क्विज को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, बहुत ईजी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उस क्विज होगा। और अब नेक्स्ट टाइम से मैं आपकी जो मैरीगोल्ड बुक का करंट चैप्टर चल रहा है, करंट मतलब करंट मारने वाला चैप्टर नहीं, ठीक है, करंट चैप्टर मतलब अभी प्रेजेंट में जो आप मुझे चैप्टर स्टार्ट करना है उस चैप्टर के वीडियोस मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब लेकिन होता क्या है ना, हमें आदत पड़ जाती है अपने टीचर की सुनने की, तो जब कोई, सारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब कोई भी वीडियो बच्चों को सेंड किया जाता है, बच्चे कहते हैं अरे यार ये क्या ही चाइनीज़ बोल दी इसने, यार मेरे समझ नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या करूँगी कि उन वीडियोस को रिकॉर्ड करके एक एक वर्ड पे मार्क करके मैं आपको सेंड कर दूँगी। वीडियो सेंड करने के बाद एक्सप्लेन भी उसमें कर दूँगी, ठीक है, शॉर्ट में, क्योंकि मैं आपको चैप्टर का नहीं भेजूँगी, ठीक है, आपको ना, मगर मुझे भेजना भी होगा तो मैं आपको पोएम का भेजूँगी, क्योंकि पोएम शॉर्ट होती है ना, इतना लॉन्ग आप वीडियो देखोगे तो आपको बोर हो जाओगे। ठीक है, तो मुझे अगर वीडियो सेंड करना होगा रीडिंग का, तो मैं आपको पोएम के सेंड करूँगी मैरीगोल्ड बुक के, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बुक रीड करनी है ना, अनपढ़ थोड़ी रहना है, और आपको क्लास फाइव में या क्लास सिक्स में तो जाना ही जाना है, क्लास फोर के बच्चे क्लास फाइव में आएंगे, क्लास फाइव के बच्चे क्लास सिक्स में जाएंगे, यहीं थोड़ी सड़ना है। ओके, बहुत बोल लिया, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से करोगे, आप पढ़ो लिखो, ठीक है, नाम रोशन करो, एंड थैंक यू सो मच, वी विल मीट टुमारो। Thanks for watching. Thank you for listening me and keep learning.